हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड के यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में चर्चा की। उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देखा, और जो इलेक्ट्रॉन किस नाभिक से कितनी दूरी पे किसी वृत्ताकार पक्ष में घूम रहा है वो त्रिज्या, वो डिस्टेंस भी हमने निकाली। ये किस प्रकार से हम डिस्टेंस निकालेंगे, अलग 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 ऑर्बिटल्स की त्रिज्या क्या रहेंगी वो भी हमने देखा। और आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी कक्ष में अगर एक पर्टिकुलर यानी कि पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्या रहेंगी, कितनी रहेंगी वो हम देखेंगे। उसका एक फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या देखने वाले हैं आज हम, बोहर्स के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा है, हेडिंग लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं nth ऑर्बिटल में, ठीक है। nth ऑर्बिटल यानी कि nth कक्षक में, ऑलराइट। देखिए निकालेंगे कैसे, कक्षक की जो ऊर्जा है वो सबसे पहले शुरुआत होती है कहाँ से। देखिए दो एनर्जीज के बारे में आपने सुना होगा, पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थिति ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी अपने को निकालनी है किसी nth ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी निकालनी कि उसमें कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन में। तो कैसे निकालेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दो, क्या निकल के आ जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। बस पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोनों का योग कर दो, बस निकल जाएगा आंसर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि देखिए आपने सुना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पर जो गतिशील वस्तु है उसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। पर सर इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है तो वहाँ पर तो गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, स्थिति ऊर्जा कैसी होगी। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो कि परमाणु में उपस्थित होता है, मान के चलते ये कोई एक परमाणु है, इस परमाणु में यहाँ पे कोई नाभिक है और इसकी r दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। अब अपने को इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स कार्यरत है, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल। इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में एक आकर्षण बल कार्यरत है, और इस आकर्षण बल की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक आ पाया है। मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले बाहर था, इन्फिनिटी ऑर्बिटल्स में था जहाँ पर कोई अट्रैक्शन फोर्स कार्यरत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे नाभिक का आकर्षण बल बाहर तक इलेक्ट्रॉन पर लगना शुरू होगा, आकर्षण बल क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। और जब वो आकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच रहा है, ये अट्रैक्शन बल है, ये है नाभिक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर आकर्षण बल बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा, यानी कि इस वाले स्टेट में ये फ्री था, दैट मीन्स कहीं पर भी जा सकता था, घूम सकता था, एकदम फ्री है, फुल एनर्जी है इसके पास, बहुत ऊर्जा है। परंतु जैसे 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 ये पास आ रहा है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है, क्या हुआ है, क्या देखने को मिला है कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम हुई है, ऊर्जा घटी है, और जो ऊर्जा घटी है उसी के रूप में क्या है, वो स्थिति ऊर्जा है। समझ में आई। और ये स्थिति ऊर्जा कैसे मिल रही है अपने को, कैसे पता चल रहा है, आकर्षण बल की वजह से। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा स्थिति ऊर्जा वही है उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स, जितना जो अट्रैक्शन फोर्स है वही उसकी स्थिति ऊर्जा है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था जो आकर्षण बल है, उससे पिछली क्लास में भी कहा था जो आकर्षण बल है वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां से अपने पास आकर्षण बल निकल के आया था, वो कितना निकल के आया था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये निकल के आया था। तो आकर्षण बल ये है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो इतना है, और यही स्थिति ऊर्जा भी है। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करने
माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो कम हो रही है ना, स्थिति ऊर्जा क्या है, एनर्जी में कमी है ना। तो यहाँ पे तो टोटल एनर्जी में अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं अपन, कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी माइनस के जेड स्क्वायर और आर। आर की वैल्यू हमने पिछली क्लास में निकाली थी, कितनी निकाली थी, आर इज इक्वल टू होता है 4 पाई का स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। भूल गए है ना, भूल गए क्यों, पिछली वीडियो तो देखी नहीं होगी, फिर समझ में कैसे आएगा बेटा, और देखी भी है तो भूल गए, वैल्यू याद होनी चाहिए तभी तो ये चीजें निकलेंगी आगे, है ना। देखिए अब इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सी बात है, ये अपॉन आर है, ठीक है बेटा, ये अपॉन आर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे क्या है, ये वाली वैल्यू, इसको अब देखो ये वाली वैल्यू को ऊपर ले लो और ये वाली नीचे नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फर्दर आगे, डॉट 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसा ही होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर कितना होगा, ई का होल 4, जेड स्क्वायर, जेड और जेड कितना है, जेड स्क्वायर, ठीक है, और के कितना होगा, के स्क्वायर। तो लिख लो यहाँ पे माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई का होल 4 अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये है आपकी पोटेंशियल, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आई, बस ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है कितनी होती है, 1/2 कितनी, 1/2 एम वी स्क्वायर, बस फिर आसान है अभी तो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth कक्षक, यहाँ पे आप n लिख सकते हो, यहाँ पे n लिख सकते हो क्योंकि n कक्षक के लिए निकाल रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत कक्षक तक, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वी आ गया फिर से, यानी कि वेलोसिटी आ गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेग आ गया। और पिछली क्लास में हमने वेग निकालना सीखा था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है उसका, भूल गए गधों, बस भूल जाते हो है ना, बस भूल जाते हो सर, भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, क्या ही हो गया सर, आप बता दो, हम तो बताएंगे ना बेटा, आपको भी तो थोड़ा याद करना पड़ेगा है। तो वी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यही होता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, इतना ठीक है। अब इस v की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे होल स्क्वायर में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, k डॉट en यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ये कितना है होल स्क्वायर में, ठीक है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना है nh, ये कितना में है होल 4 स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो बस ओपन करो, करो जल्दी करो, खुद से करो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m को पीछे ले लो, 2 का होल 4 कितना, होल स्क्वायर कितना 4, पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर और एम अपॉन एन एच। तो यह है आपकी काइनेटिक एनर्जी, निकल गया, आ गई, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई आपके काइनेटिक एनर्जी, बस दोनों वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दें, रफ कर दें इसको, चलिए। तो अब हम यहाँ पे टोटल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली है उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके जरा देखते हैं कि क्या अपने को मिलता है। तो यह है आपके टोटल एनर्जी nth कक्षक की, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई का होल 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये कितना है आपके 1/2, देखिए 1/2 यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, कितनी बार में 2 बार, तो हम सीधा लिख लें यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई का होल 4 है ना यहाँ पे, ठीक है, ई का
होल फोर साथ में एम अपॉन एन का एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। देखिए ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है, ठीक है ना, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है ये क्या है, कॉमन है, देख लो चेक करो बोलो है कि नहीं है सर, कॉमन है क्या, अलग अलग है, नहीं है, पूरा भाग जो है एक कॉमन भाग है, तो ये तो कॉमन निकल के आ जाएगा। और फोर में से टू को माइनस कर दो कितना आएगा, माइनस टू, माइनस फोर को, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर, ये वाला पूरा भाग कॉमन आ गया, पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का होल फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, चीजें समझ में आएगी नहीं आई, फटाफट से फटाफट से फटाफट से सर आ गई, आसान है, बट आपको वहां पे आर क्या, इतना आर कितना होता है, स्थिति जो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन्स का, तो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, बिना इनकी मदद के आप नहीं निकाल पाएंगे, ये डेरिवेशन, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये वाला जो पूरा भाग है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे भाग को यहाँ से लेकर के इस वाले पूरे भाग को जब आप सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी है, ठीक है ना, तो जब आप इस पूरे भाग को सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी आपके पास निकल के आएंगी बेटा, आपके पास आएंगी माइनस तेरह पॉइंट छः जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये है आपकी टोटल एनर्जी। अब सर कोई बोले कि सर हमको तो जो है जूल में निकालनी है, तो जूल में कैसे निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 द पावर माइनस 19 कूलम, इतना ही होता है कि नहीं होता है, तो बस क्या आ गया यहाँ पे माइनस 19 वोल्ट, खत्म बात, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दो, इसमें भी आप घबरा जाते हैं, नहीं घबराना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट होंगे, बस सिंपल सा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 13.9 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, टोटल एनर्जी आपके निकल के आ जाएगी कितनी, 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम, सॉरी यहाँ पे पहले आपको जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये भी आपका जूल में टोटल एनर्जी निकल के आ गई, और ये आपकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ गई यहाँ पर एटम, समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात, बोलो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात, सर परेशानी तो नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए, फटाफट से इसको नोट करो, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी जनरल चीजें अपन देखते हैं, ठीक है, कर दे बेटा बोलो। तो देखो यहाँ पे ना एक बात जो आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है, जरा देखो यहाँ पे वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इस फॉर्मूले के बेस पे अलग अलग ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं निकालें, जैसे कि मान के चलते हैं ये एक अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे कहीं पे है n इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक और पांचवा कक्षक। इनके लिए अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी अपने को एनर्जी निकालनी है, ऊर्जाएं निकालनी है, ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है ना, जब हम इनकी अलग अलग ऊर्जाएं निकालते हैं तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है, उसके बाद सेकंड वाले ऑर्बिटल के लिए अपने को -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है, और n इज इक्वल टू 3 की चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 3 के लिए हमें जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, और जो फिफ्थ कक्षक है उसके लिए 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अपने को मिलती है, ठीक है ना, और सबसे एंड में जो अपने को एनर्जी मिलती है 0.54, ठीक है ना, ये 85 है, ठीक है ना, 85, ठीक है, और ये है 0.54।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये भी होती है इन सभी अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आपको क्या करना है, इनमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि कितनी कितनी एनर्जी की जो डिफरेंस है इसमें आ रहा है। जरा फटाफट से निकालो, ये वाला गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ये वाला गैप है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। और साथ ही ये वाला है आपके 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, ये है आपका 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ये है आपका 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पे एक चीज को आपको यहाँ पे नोटिस करनी है और वो क्या नोटिस करने की बात है, 0.51 है, ठीक है ना। एक बात जो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है वो ये कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये एनर्जी जो गैप है वो घटता चला जा रहा है। या इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है, यहाँ पे फिर कम पड़ गया, यहाँ फिर और कम पड़ गया और यहाँ पे फिर और कम पड़ गया। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते चले जा रहे हैं, कोसों की संख्या बढ़ रही है, उनमें ऊर्जा स्तर कम होते चले जा रहे हैं, यानी कि उनके ऊर्जा स्तरों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो बीच के एनर्जी गैप है वो कम होता चला जा रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इन्फिनिटी पे अनंत अवस्था पे, अनंत ऑर्बिटल पे, कि ये ऑर्बिटल्स अपने को एक दूसरे के अंदर घुसे हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा स्तर बहुत बहुत कम हो जाएगा, इसकी वजह से ये बहुत पास पास रहेंगे, एक दूसरे के अंदर ही समावेशित से अपने को नजर आएंगे अनंत अवस्था पे, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन बढ़ रहा है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दो ना तो फिर तो गलती हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर एन बढ़ रहा है, कोसों की संख्या अगर बढ़ रही है, तो वहां पे एनर्जी जो गैप है वो घट रहा है, एनर्जी गैप घट रहा है। एक और देखने वाली बात है, ये देखो, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ दोनों में से कौन सा नंबर ज्यादा है, बड़ा नंबर ये है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसकी तो भैया एनर्जी और भी ज्यादा होगी, है ना, और भी ज्यादा है, ये सभी माइनस में, ठीक है, और भी ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे देखिए, पहले कक्षक में एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन की, दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम ज्यादा बढ़ गई और तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कि कोसों की संख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा घटेगी, तो फिर तो गलत हो जाएगा। कोसों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं भी बढ़ रही है, कोसे इसको ऐसे मत कर लेना, ठीक है ना। तो कोसों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से दो बातें निकल गई आ गई कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा एनर्जी गैप कम होगा कोसों के बीच में, और एन का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं भी बढ़ती है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए, जो हाइड्रोजन है क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक फिक्स होता है एक, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या एक है, ठीक है ना। इसके लिए अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसके nth ऑर्बिटल के लिए कि 13.6 एन स्क्वायर, यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी एनर्जी निकाल सकते हो, किसी भी स्तर की एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए nth ऑर्बिटल के लिए आप ऊर्जा यहाँ से डायरेक्ट सीधे निकाल सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन से अधिक, हाइड्रोजन के अलावा किसी और परमाणु की निकालना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे जेड स्क्वायर, यानी कि अगर आप लिथियम की निकालना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, हीलियम की निकालना चाहते हैं तो 2 लेना पड़ेगा जेड को, अगर हाइड्रोजन की निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगी, तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए अपन 13.6/n² ले सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और आपको याद रखनी है ये वाले नंबर, ठीक है ना, ये वाली चीज बेटा, गोल 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 गोल, -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा होपफुली। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।